इधर देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने पुराने कानून के तहत ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों से आवेदन मांगा है। सरकार की ओर से नागरिकता प्रमाण पत्र देने के फैसले पर जालौर में बसे शरणार्थियों में अब इसके बाद नई उम्मीद जागी है। केंद्र सरकार ने जालौर में गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन मांगे हैं। राजस्थान के जालौर के शरणार्थियों में नई उम्मीद जाग गई है। जो भी गैर मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये चितलवाना क्षेत्र में करीब 100 से अधिक संख्या में बसे हुए हैं। क्षेत्र में बसे हुए शरणार्थियों ने बताया कि कई सालों पहले उनके पूर्वज पाकिस्तान मजदूरी के लिए गए थे लेकिन वहां फंस गए। इसके बाद उनका परिवार भारत में लौट आया है लेकिन नागरिकता नहीं होने से उन्हें कई समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। अब भारत में आने के बाद उनको देश की नागरिकता नहीं होने से उनको दस्तावेज संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही है जिसके चलते सरकार की योजना का लाभ भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। शरणार्थियों का कहना है कि अब उन्हें केंद्र सरकार की ओर से किए गए निर्णय के बाद नागरिकता मिल सकेगी जिसके बाद उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। लोग वहाँ से दुखी होकर यहाँ आए हैं, उनको जो यहाँ भारतीय नागरिकता मिल जाए तो सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार माई बाप है, सरकार फैसला देते है तो हम थोड़ा से आया ये तलिए में रहने वाला, भारत सरकार सहायता करे तो हम अच्छे से रहने। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।